मध्य प्रदेश के रहने वाले अभिषेक चौबे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल अभिषेक अपने शोल्डर की मदद से कार को पुल कर लेते हैं बिना रस्सी को हाथों से पकड़े ही। छोटी उम्र से ही अभिषेक ये प्रेस्टिक को किया करते थे और छोटी छोटी चीजों को पुल करते करते उसके दिमाग में आइडिया आया कि बड़ी चीजों को क्यों न किया जाए, और इस तरह से एक साथ दो कार को वो पुल कर लेते हैं और ऐसा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए और साथ ही भारत का नाम भी रोशन किए। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। आप जो स्क्रीन पे इस बंदे को देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि ये फोटो एडिटिंग की हुई है, लेकिन दोस्त ये रियलिटी है। इस बंदे का नाम कैरलोस हेल्फी है। एरोडा के मियामी के रहने वाले कैरलोस कार एक्सीडेंट के दौरान अपने गाड़ी का शीशा तोड़ के सीधे जमीन के बल गिरे और उसका सर में सीधा चोट आया और उसके बाद डॉक्टर्स के उसके हेड के कुछ हिस्से को निकालना पड़ा। उसके बाद से ये बंदा जिंदा तो है लेकिन देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। आज हम जानेंगे भारत के सबसे लंबे फैमिली के बारे में। पुणे के रहने वाले मिस्टर शरद कुलकर्णी और उनकी पत्नी भारत के सबसे लंबे पति पत्नी है। यही नहीं, उनकी दोनों बेटियों की भी हाइट 6.2 इंच और छोटी बेटी का 6.4 इंच है। मिस्टर शरद की हाइट 7 फुट 2 इंच की है और ये परिवार भारत देश के सबसे लंबे परिवार है। क्या आपको ये पता था? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक ऐसे बच्ची के बारे में बताने वाला हूँ जिसका धड़कता हुआ दिल को आप बाहर से ही देख सकते हैं। इस बच्ची का नाम विसेविया बोरुन है। ये बच्ची सिर्फ 11 साल का है और ये जन्म से ही ऐसी है। इसका चेस्ट के बीचों बीच में ही इसका हार्ट को आप साफ साफ देख सकते हैं धड़कता हुआ। ऐसा होने के बाद भी ये बच्ची नॉर्मल लाइफ जीती है। इस लड़के को देख के आपकी फटकी हाथ में आ जाएगी। इस बंदे का नाम समीर खान है और ये रहने वाला पाकिस्तान का है। इसका सबसे खासियत और क्वालिटी इसमें ये है कि ये अपनी हेड को 180 डिग्री में मोड़ सकता है। ये पैदाइश से ही इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल था और इसका यही क्वालिटी की वजह से इसे फिल्मों में भी चांस मिला और इस बंदे को हॉरर सिनेमा में चांस भी मिला है। आप वीडियो में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि कैसे ये अपने हेड को बहुत ही आसानी में मोड़ लेता है, वो भी 180 डिग्री में। क्या सोचते हैं आप इस बंदे के बारे में कॉमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब।